नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सर्किल में। आज 1 अप्रैल 2018 हो गया है दोस्तों। तो आज 1 अप्रैल 2018 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए, यूपी ए आर ओ के लिए बहुत कम समय बचा है दोस्तों, सिर्फ 6 दिन बचे हैं आपके पास। तो सिर्फ एक चैप्टर बचा है हिंदी का मेरा, वो सिर्फ पर्यायवाची का बचा है, वो आज आपको मिल जाएगा उसका भी वीडियो। बाकी सब हिंदी के सारे पोर्शन मैंने करा दिए, सारे पार्ट करा दिए। तो आप अगर प्रीवियस मेरे वीडियो देखेंगे हिंदी के, जो वीडियो मैंने डाले हैं, तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको देखिएगा वीडियो को ज़रूर। तो दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं, आज करंट अफेयर 2018 1 अप्रैल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NTA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं दोस्तों, ऋतिक रंजनम पांडे, बी किशोर, विनीत जोशी, नीतीश कुमार। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NTA के नए महानिदेशक के रूम में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सही होगा, विनीत जोशी इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NTA के नए महानिदेशक के रूम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित योजनाओं में शामिल होने से स्कूल शिक्षा के लिए एक नई एकीकृत योजना तैयार करने को मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना है कौन सी योजना है वो। ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी टीचर एजुकेशन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही होगा इसका, उपरोक्त सभी, ये सभी अभियान इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड, मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं, आपको बताना है मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। ऑप्शन हैं मुसा मोस्तफा मूसा, ऑप्शन बी है एल सैयद अल बदावी, ऑप्शन सी है अब्दुल फतेह अल सेसी, एंड ऑप्शन डी है अहमद साफिक सिसी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सही होगा सी, अब्दुल फतेह अल सोसी, इनको बनाया गया है मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में, इनको चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, घरेलू अभियंत्रण योजना एक सुविधा को समर्थन देने के लिए हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय से हाथ मिलाया है? ऑप्शन से दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एंड महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए, सही होगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसने हाथ मिलाया है विद्युत मंत्रालय के साथ में सुविधा योजना को समर्थन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। ऑप्शन से अनुराग अग्रवाल, ऑप्शन बी है मुकुल रात, ऑप्शन सी है गिरीश सी होसुर, एंड ऑप्शन डी है चंद्रभूषण कुमार। तो दोस्तों, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया वो हैं चंद्रभूषण कुमार, ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रभूषण कुमार इनको नियुक्त किया गया भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत के 15वें वित्त आयोग के नए संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना भारत के 15वें वित्त आयोग के नए संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन से कृष्ण बहादुर सिंह, ऑप्शन बी रवि कोटा, सी अनूप सिंह, एंड डी संजय आदलाखा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सही होगा, रवि कोटा। इनको जो है भारत के 15वें वित्त आयोग के नए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, रवि कोटा। देखिए एक आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पिछला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत और पाकिस्तान ने राजनयिकों को पीड़न से बचाने के लिए किस वर्ष की आचार संहिता पर हस्ताक्षर किए, आपको बताना है। ऑप्शन से 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 एंड ऑप्शन डी 1995। तो किस वर्ष की आचार संहिता पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और पाकिस्तान ने। राइट आंसर है दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 1992। इस वर्ष की आचार संहिता पर दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नासा मंगल ग्रह के गहरे अंदरूनी हिस्से का अध्ययन करने के लिए मंगल ग्रह पर एक स्टेशनरी लैंडर भेजने की योजना बना रहा है, इसका नाम पूछ बताना है आपको क्या है। स्टेशनरी लैंडर का ऑप्शन है इनसाइट, ऑप्शन बी जूनू, ऑप्शन सी स्कॉर्पियन एंड ऑप्शन डी स्किटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, इनसाइट। इसका नाम जो है इनसाइट है, इसको नासा मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बना रहा है जिससे उसके गहरे अंदरूनी हिस्से की अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में गूगल डूडल ने भारत की पहली महिला डॉक्टर का जन्मदिन मनाया है, उनका नाम क्या है आपको बताना है। गूगल डूडल ने हाल ही में भारत की पहली महिला डॉक्टर का जन्मदिन मनाया है, उनका नाम पूछा गया क्या है। ऑप्शन से मुतलक्ष्मी रेड्डी, ऑप्शन बी नीलम क्लेयर, ऑप्शन सी आनंदी गोपाल जोशी एंड ऑप्शन डी टीएस सुंदरम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, आनंदी गोपाल जोशी। इनका जन्मदिन है जो गूगल डूडल ने भारत की पहली महिला डॉक्टर का, ये जो है इनका जन्मदिन गूगल डूडल ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देश की सबसे अधिक आदिवासी बस्तियां किस राज्य में है आपको बताना है। देश की सबसे अधिक बस्तियां किस राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन से मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड एंड डी नागालैंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है 10, ऑप्शन ए सही होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी बस्तियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दिए। ऑप्शन से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, 1 अप्रैल 2018 का करंट अफेयर्स है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सामने दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो लगातार आप सबको पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग, थैंक यू दोस्तों।